आज इतनी जल्दी आ गए? हाँ, वो टैक्सी में आए हैं। टैक्सी में आए हैं? हाँ, हम टैक्सी में आए हैं और लाए हैं बच्चों के लिए कमीजें, मुन्नी के लिए फ्रॉक और मुन्नी की माँ के लिए साड़ी। और क्या? और वो तुम्हारी चूड़ियाँ। चूड़ियाँ महाजन के यहाँ से छुड़ा लिया आपने? सिर्फ चूड़ियाँ नहीं समीर की माँ, आज मैं अपने आप को तंगी, बेकारी और मुफलिसी से छुड़ा कर लाया हूँ। लगता है विल्सन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। हाँ, मिल गया समीर की माँ, भगवान ने आज हमारी सुन ली। शहर के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैरान होकर देखते रह गए, लेकिन कंपनी ने काम मुझे दे दिया। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि मेरी पूंजी है ईमानदारी। एग्रीमेंट पर दस्तखत करते वक्त मिस्टर वॉटसन ने मुझसे कहा, गोपाल बाबू, लगन, परिश्रम और ईमानदारी की स्पिरिट हमेशा बनाए रखना, फिर देखना तुम एक दिन इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर बन जाओगे कि शहर की बड़ी से बड़ी कंपनी तुम्हारे आगे छोटी बन जाएगी। और फिर मैंने उनसे कहा, क्या कहा जानती हो? जानती हूँ, आपने उनसे कहा, साहब मैं जो कुछ भी हूँ उसमें मेरी धर्म पत्नी का हाथ है, वो इस कॉम्पिटिशन के युग में भी अपनी पुरानी स्विंग मशीन पर भरोसा रखती है, वो हर कदम पर सोचती है और सोचकर कदम रखती है, अगर वो ना होती। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, आप हर मौके पर अरे गहरे के सामने मेरी तारीफ करने की क्या जरूरत है? तुम नहीं जानती गायत्री। मैं सब जानती हूँ। श्यामनाथ बाबू आए थे। श्यामनाथ? हाँ, उनका बच्चा बहुत बीमार है, अनु भी उनके साथ चली गई है, शायद डॉक्टर तक लाने के लिए उनके पास पैसे नहीं। इसे भेजना है। गायत्री, श्याम बाबू आपके दोस्त है ना, दुख में अपने और बुरे दिनों में गहने ही काम आते हैं। कब तक तुम मेरी मदद करते रहोगे? पहले ही तुम्हारे इतने एहसान हैं मुझ पर कि मेरी समझ में नहीं आता कि कब और कैसे मैं तुम्हारे एहसानों का बदला चुकाऊंगा। मैं कब तक तुम्हारे काम आता रहूंगा और मेरे एहसानों का बदला तुम किस तरह दोगे, यही तुम्हारी चिंता है ना? सुनो श्यामनाथ, जब तक जिंदगी है हम एक दूसरे के काम आते रहेंगे, और रहा एहसानों का बदला, वो तुम मेरे पार्टनर बनकर दे सकते हो। पार्टनर? हाँ, मुझे विल्सन कंपनी में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पार्टनर बन जाओ। लेकिन गोपाल, तुम तो जानते हो कि ना तो मैं बिल्डिंग बनाने का काम जानता हूँ और ना ही मेरे पास कुछ पैसा है, और फिर दुनिया की नजरों में मैं एक नाकामयाब आदमी साबित हो चुका हूँ। श्याम, इसमें इतना निराश होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों अभी भी अपने लगन, परिश्रम और ईमानदारी के बल पर बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम एक बार हाँ करके तो देखो। फिर एक बड़ा उपकार गोपाल, तुम्हें इन एहसानों के बदले मिलता क्या है? दोस्त का प्यार। Thank you.
की दया से आज हमारे पास बंगला है, मोटरें हैं, नौकर चाकर हैं, इज्जत है, लेकिन लगता है जैसे इस पर तुम्हें विश्वास ही नहीं आता। जब देखो पुराने दिनों के छांव में बैठी रहती हो। मैं पूछता हूँ, आज भी सिलाई की मशीन से चिपके रहने की क्या जरूरत है तुम्हें? आप ही कहा करते थे ना, काम ही सबसे बड़ी पूजा है। और फिर दुख सुख में इस मशीन ने हमारा इतना साथ दिया है, अब ये हमारी जिंदगी का एक अंग बन गया। हाँ, ये मशीन ही तो अब तुम्हारा अंग है। मैं तो क्या, मैं अंदर आ सकता हूँ? लो, आज इन्हें भी पूछकर अंदर आने की जरूरत पड़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि कल जब मैं तुम्हारे यहाँ आऊं तो पूछकर अंदर आना पड़ेगा। हाँ सुना भाभी, आप भी अपने सेवक के यहाँ पूछ के आया करेंगे। ऐसा मत बोलो श्याम, मेरे इस एक्सीडेंट के बाद तुमने अगर सब कुछ संभाल न लिया होता तो आज हमारी कंपनी किस हालत में होती और हम किस हाल को पहुंच चुके होते। तुम्हारी भाभी तो यहां तक कहती है कि मुझे दोस्त नहीं आज के जमाने में लक्ष्मण जैसा भाई मिला है। क्या कहते हो गोपाल, ये सब तो तुम्हारी कृपा है। आज मैं जो कुछ भी हूं सब तुम्हारी दया है। अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि कुछ दिन इसी तरह निभाए। कुछ दिन क्यों? कुछ दिनों के बाद नवीन लंदन से आ रहा है। मैं चाहता हूं कि सारा काम उसे सौंप दूं और इन झंझटों से अलग हो जाऊं। तुम बहुत खुशकिस्मत हो श्याम, जो तुम्हें नवीन जैसा बेटा मिला है और एक तरफ अपनी औलाद। अपनी औलाद को दोष देने से क्या फायदा, आपने कब परवाह की है उनकी? लो, मैंने परवाह नहीं की, आखिर किस चीज की कमी रहने दी मैंने? कमी नहीं रहने दी, यही क्या कम भूल थी? समीर की हर इच्छा इस तरह से पूरी कर दी कि उसे अब कोई इच्छा ही नहीं रही। सुधीर की इच्छाओं को इस तरह से बढ़ाया गया कि दुनिया का हर काम उससे छोटा नजर आता है। ठीक है, बाकी दोनों संतानें तो तुम्हारी है ना, देखे वो क्या करते हैं। देखा भैया इनका मिजाज, जरा सी बात हुई कि बच्चे बांट लिए। इनसे ये नहीं होता कि उनके बारे में कुछ सोचे, उन्हें किसी काम पर लगा दे। भाभी ठीक कहती है गोपाल, बच्चों के बारे में सोचना हमारा पहला फर्ज है। मैं देखता हूं कि अगर वो मेरी माने, आखिर कल उन्हें अपने पैरों पर ही खड़ा होना है। सचिन बेटा। ओ नमस्ते अंकल जी। जरा समीर और सुधीर को बुलाना। तो समीर भैया, सुधीर भैया। हाँ। अभी बुलाता हूँ। और भाभी को भी बुला लो। हाँ बेटा बुला ले। भाई गोपाल, इन कागजों पे साइन कर दो। अच्छा। आप लोग दफ्तर के काम में लग गए, मैं चाय लेके आती हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। समीर और सुनील बेटा, ये बड़े अफसोस की बात है कि मुझे हर बार तुम्हें इसी तरह भाषण देना पड़ता है। अब तुम लोग बच्चे नहीं रहे, जवान हो गए हो, लेकिन अब भी तुम लोगों में जरा भी परिवर्तन नहीं आया। अंकल, भैया का कहना है कि आदमी पहले बंदर था, परिवर्तन आया तो बंदर से इंसान बन गया। अपने पिताजी को देखो, कितने महान व्यक्ति हैं। अपनी मेहनत और ईमानदारी से कितनी बड़ी कंपनी खड़ी कर रखी है उन्होंने। पहले उनके पास क्या था और अब क्या नहीं है। अब तुम उस उम्र को पहुंच गए हो जब तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अंकल, ये तो अब भी अपने पैरों पर खड़ा है। सुधीर, तुमने अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? क्यों नहीं सोचा अंकल, दिन रात सोचता हूँ। अंकल, अपने सुधीर भैया है ना, हंस है, दाना नहीं खाते, मोती चुपते हैं, काम करते तो बड़ा। ये अमीर बाप के बेटे हैं, इन्होंने धूप नहीं देखी, सिर्फ छांव देखी है, इनसे कुछ नहीं होगा। ऐसा ना कहो गोपाल, तुम्हारे बच्चे नासमझ नहीं है। समीर, तुम सबसे बड़े हो, तुम्हें तो काम करने की लगन होनी चाहिए। क्या तुम अपने पिताजी का नाम रोशन करना नहीं चाहते? ये तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन इन्हें मौका ही नहीं मिलता। मौका मैं दूंगा। कल से बेटा
तो मेरे साथ काम करना शुरू कर दो। आप मौका देंगे तो मैं काम जरूर करूंगा। मैं अपना नाम अपने पिताजी की तरह रोशन करूंगा। अंकल, मैं आज से बदल गया हूं, मुझ में इनकलाब आ गया है। मां, मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं मेहनत कर सकूं। नमस्ते, नमस्ते। हुजूर, आपके बिना यहाँ कोई काम रुकाया नहीं रुका। फिर आप धूल जैसी कोमल काया को क्यों कष्ट दे रहे हैं? ये धूल, ये धूप की जिंदगी में आने से पहले मैं आपसे भी ज्यादा गोरा था। मुझे देखिए, ये देखिए, और ये देखिए। जान है तो जान है हुजूर, तो फिर मैं चलू से। तुम सब कुछ संभालोगे? चलो, चलो। ओह, ओह, मर गया सुशीला, सुशीला मर गया सुशीला। इस कड़ी धूप और गर्मी में उन्होंने मुझसे पत्थर तोड़वा। मैं अकेला मशीनों पर काम करता रहा, काम करते करते मैं फिसल गया। ओ, 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 शीला, वो तो तुम्हारा भगवान इतना बड़ा था, नहीं तो आज तुम। सुशीला, सुशीला। आई माजी। क्या है माजी? समीर काम से वापस आ गया क्या? माँ जी, आपने ये क्यों नहीं पूछा कि वो कहीं धूप में झुलस कर तो नहीं आए? बहू, जिनका मन काम में लग जाता है उनके तन पर क्या गुजरती है इसका उन्हें पता नहीं चलता। पसीने की शीतलता उनकी सारी थकान धो डालती है, मन निर्मल हो जाता है। आपका मतलब है हम काम नहीं करते तो हमारा मन बुरे विचारों से भरा है? मेरे कहने का उल्टा अर्थ मत निकालो बहू। तुम नहीं जानते समीर के पिताजी ने कितनी मेहनत से घर का ये नक्शा बनाया है। माँ जी, मैं जब से इस घर में आई हूँ यही सुनती रही हूँ, अगर हम अमीर में पले हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर? हमने आप जैसी गरीबी नहीं देखी, तंगी नहीं देखी। भगवान करे हम फिर एक बार गरीब हो जाएं ताकि हम वो मुझसे अपशकुन मत निकालो, तब भी शायद तुम वक्त से समझौता न कर। मेहनत करने के लिए गरीब होना जरूरी है, पर फिर जो मेहनत करते हैं वो गरीब नहीं रहते। हेलो, मैं गोपाल दास बोल रहा हूँ। जी, मैं मोहनलाल बोल रहा हूँ, पहचाना आपने? ओ मोहनलाल जी, कहिए कहिए, कैसे तकलीफ की? जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए कहिए, क्या बात है? बात ये कि आपकी सारी जायदाद मॉर्गेज हो चुकी है। आपकी सारी जायदाद 10 लाख में मॉर्गेज। लेकिन मोहनलाल जी, श्यामनाथ ने तो मुझे कभी कुछ। आपकी श्यामनाथ ने ये सब कुछ किया? आप भक्त हैं, श्यामनाथ मेरा पार्टनर नहीं, मेरे भाई से भी ज्यादा है, ये नामुमकिन है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं। आपके दस्तखत किए कागजात हमारे पास मौजूद हैं। जी, दस्तखत किए हुए कागजात। ठीक है, मैं भी जाकर देखता हूं। Thank you.
की मां, समीर की मां, जल्दी से मेरी बैसाखी दो और ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले। क्या हुआ? तुम जानती हो श्यामनाथ ने? नहीं, आओ आओ गोपाल, आज अचानक कैसे आना हुआ? देखो मैंने जो कुछ सुना वो झूठ। तुम घबराए हुए क्यों हो? क्या बात है? घाटा, इतना बड़ा घाटा है जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कैदी से कुछ नहीं हुआ। गोपाल, जो बात सच है वो मेरे कहने से झूठ तो नहीं हो सकती। तुम्हें इतना बड़ा नुकसान हुआ इसका मुझे बहुत अफसोस है। तुम्हें से क्या मतलब है तुम्हारा? शमत, ये क्या कर रहे हो? शमत, तुम मेरे पार्टनर हो। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था मैं तुम्हारा सेवक हूं। और मैंने कहा था तुम मेरे दोस्त हो। अमनाथ, मैंने जो भी किया तुम्हारे कहने पर किया। हाँ हाँ, मुझे कब इनकार थे? मैंने भी हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारे पसीने की जगह अपना खून बहाया। लेकिन गोपाल, जहां तक इस नुकसान का ताल्लुक है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरे दोस्त हो, मुझे समझने की कोशिश करो। समझ गए। दगाबाज फरेबी, दोस्त लफ्ज अपनी जबान पर लाकर उसकी बेइज्जती मत करो। तुम दोस्त नहीं आस्तीन के सांप हो। तुमने उसी को डस लिया जिसने तुम्हें रास्ते की मिट्टी से उठाकर इस आलीशान घर में पहुंचा दिया। याद रखना श्यामनाथ, एक दिन तुम्हें अपने किए पर पछताना पड़ेगा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अजय, मौत तो सबको आती है साहब, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि लेन देन ही खत्म हो जाए। क्यों जी? बिल्कुल ठीक है। आपको लेना था, मुझको लेना था, अब वो ही नहीं रहे तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? एक सच्ची बात बताऊ साहब, अगर आज किसी लायक होते तो आज ये दिन देखना नसीब नहीं होता, समझे आप? देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि ये कर्जा हमारे पिता ने नहीं श्यामनाथ ने लिया था। पिता तो बहुत सोच समझकर काम करने वाले आदमी थे। राधे कृष्ण, जरूर सोच समझकर काम करने वाले आदमी थे साहब, तभी तो हम लोग उन पर भरोसा करते थे, वरना इस छोटे से दस्तखत पर क्या हम उन्हें लाखों की रकम सौंप देते? राधे कृष्ण, आप चाहे तो जांच कर लो साहब, बिल्कुल खरे दस्तखत हैं आपके पिताजी के। मैं इन सिग्नेचरों को नहीं मानता। साहब, आप तो अदालत से भी ज्यादा सच बनने की कोशिश कर रहे हैं। मरे हुए आदमी की लिखी तो सरकार भी सच मानती है, आप नहीं मानते तो ना सही होगी। बिल्कुल सही। अच्छा, तो फिर हमें आज्ञा दीजिए। अभी तो हम सीधे रास्ते से आए थे, अदालत के रास्ते से आएंगे। अदालत के रास्ते से आने की कोई जरूरत नहीं, आपकी पाई पाई चुका दी। माता जी ने कह दिया, समझो हमें तुम नहीं समझती माँ, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं, छुपाने के लिए ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तक ये घर कन्या दो तीन दिन हो गए तुम्हारे पिताजी कल से विश्वासघात से लगे। गुजरे हुए कल को भूल जाओ बेटे, आने वाले कल को कुछ ऐसा प्लान जिससे नए भविष्य का निर्माण। आप
सामान को जल्दी जल्दी उतारो, सामान के आते आते उतारो। अरे चलो जल्दी, इस मशीन को भी उठाओ ना। मैं मुझे नहीं ले जाने दूंगा, ये मेरी माँ की मशीन है। ये मशीन उस सामान में नहीं है, आप मेहरबानी करके इसे रहने दीजिए। अच्छा अच्छा माता जी, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। चलो 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 चलो। This is to your homecoming. Thank you. Daddy, कहते हैं हिंदुस्तानी बाप जब भी अपने बेटे को परदेश भेजता था तो हमेशा ये नसीहत देता था कि मैं मत लाना और शराब मत पीना। वो पुराने जमाने के बाप बेटे थे बेटा, हम नए जमाने के हैं। तुम्हारे और हमारे रिश्ते में नयापन होना चाहिए। कितनी अजीब बात है, जबकि पूरे पश्चिम बनने में लगा है, पश्चिम पूर्व बनने की कोशिश कर रहा है। आपको पता है यूरोप में आजकल लोग सितार सीख रहे हैं, योग आसन करते हैं और गीता का उपदेश सुनने के लिए सारे हिंदुस्तान भर में घूमते फिरते हैं। और डैडी, मैं भी इसी गीता का देश का रहने वाला हूं। आई एम सॉरी, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा डैडी, अब मैं चलूं? अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हो? यहाँ मेरे दोस्त कहाँ, मैं तो आपके दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। मेरा मतलब है गोपाल बाबू और आंटी से। देखो बेटा, मैंने तुम्हें बताया नहीं, गोपाल अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? उन्हें बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो ये नुकसान बर्दाश्त नहीं करते। मगर डैडी, उनको नुकसान हुआ तो आपको कैसे फायदा हो गया? आप तो उनके पार्टनर थे। वो पार्टनरशिप तो बेटा उस तबाही से पहले ही खत्म हो चुकी थी, मैं बच गया, ये मेरी किस्मत थी। गोपाल की याद आते ही दिल को कितनी तकलीफ होती है, तुम नहीं जानते बेटा। तुम्हारा डैडी कितना भागा है, वो दोस्त के परिवार की मदद भी नहीं कर सका। क्यों डैडी? बेटा, गायत्री भाभी का अभिमान मेरे रास्ते की दीवार बन गया। उन्होंने मेरी मदद भी स्वीकार नहीं की, बिना बताए बिना कुछ कहे बच्चों को लेकर ना जाने कहां चली गई। भगवान आपका भला। मगर हमारे सारे कपड़े तो तैयार हैं ना? हाँ बहन, मगर एक मेहरबानी करो, पैसे अभी के अभी दे, जरूरत थी कुछ ऐसी आप रही, नहीं तो मुझे नहीं थी। ठीक है, मदद ही करनी हो तो आगे क्या पीछे। बच्चा थोड़ा ही Thank you.
जितने के मेरे कपड़े थे इतने उसे खानदान की औकात भी नहीं, और उस पर पैसे मांगती नगद। ये होता है गरीबों को मुंह लगाने का फायदा। चलो चलो। माँ मुझे माफ कर दो माँ, मैंने वो फुलझड़ ही नहीं माँ, मुझे माफ कर दो माँ। क्यों जलाई? रुई का क्या करोगे? कान में डालूंगा। माँ की इस मशीन की वजह से तो नींद आना मुश्किल है। एक तो सख्त गर्मी और फिर मशीन की कड़क, दोनों रुई। ये डाल ले, नहीं तो इस मशीन की आवाज के साथ साथ जो अपमान और गालियां हमको मिल रही हैं, तुम सुन लोगे तो सारी जिंदगी जागते रह जाओगे। क्या मतलब? किसने अपमान किया? माँ जिनके कपड़े सीती है वही हमारी इज्जत के बच्चे उतर रहे हैं। तुम माँ को समझाते क्यों नहीं? छोटा काम करने से कभी कोई बड़ा बन सकता है। कौन सा छोटा काम? यही दर्जी गिरी, ये भी कोई शरीफ लोगों का पेशा है? छी छी, दो कौड़ी की औरत न जाने क्या क्या बातें सुना गई। ये बात है, मैं भी माँ से पूछता हूँ। माँ, माँ, क्या बात है बेटा? कुछ नहीं, मैं पूछ रहा था तुमने किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं तो किसी ने कुछ नहीं कहा। झूठ क्यों बोलती हो माँ? जो कुछ उस औरत ने कहा वो हमारा अपमान नहीं तो क्या सम्मान था? क्या कुछ नहीं कहा उसने? भाभी क्यों नहीं कहेंगे, जिस माँ के दो दो जवान बेटे लाखों के चक्कर में बेकार बैठे हो, और माँ घर का खर्चा चलाने के लिए रात दिन कपड़े सीती हो, उस माँ को लोग बातें नहीं सुनाएंगे तो और किसे सुनाएंगे? माँ मैंने तो पहले ही मना किया, तुम्हारी वजह से कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही। जिस शहर में डैडी का इतना बड़ा नाम था, इतनी बड़ी हैसियत थी, आज वही सब कह रहे हैं कि मेरी माँ कितना छोटा काम कर रही है। सुधीर, काम को छोटा कहकर तुम भगवान को छोटा कह रहे हो। मेहनत आदमी की सबसे बड़ी पूजा। माँ तुम्हारी ये सबसे बड़ी पूजा तो मजदूर करता है, मगर उस पूजा का वरदान जानती हो क्या मिलता है? मुझे आधा पेट खाना और रहने के लिए फुटपाथ। माँ अगर तुम ये सब कुछ बंद नहीं करोगी तो मैं एक दिन जाकर कहीं शर्म से डूब मरूं। भैया डूब मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं। बहुत शर्माती है तो जाकर छोटा ना सही, कोई बड़ा काम क्यों नहीं कर लेते? माँ की इस मेहनत मजदूरी से कमाई हुई रोटी को बैठ कर खाने का हम सबको क्या अधिकार है? बड़े अपमान के बाद तुम्हारी सौगंध माँ, चाहे मैं भूखा मर जाऊं पर तुम्हारी रोटी को हाथ नहीं लगाऊंगा। सुधीर, सुन बेटे। नहीं माँ, छोड़ दो मुझे। अब मैं उसी वक्त वापस आऊंगा जब मुझे भी कोई रास्ता मिल जाएगा। आओ। तो भाई आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? यार मैं बहुत परेशान हूं,
महिला बुला लूं? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। अरे यार तुम कहो तो सही, तुम्हारे लिए हमारी जान भी हाजिर है। मान तुम तो जानते हो मेरे पास कैसे कैसे आइडियाज हैं, लेकिन लेकिन मुझे आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता। मैंने तो हमेशा कहा हीरा मिट्टी में पड़ा है। सुधीर जिंदगी को कभी तुमने मेरी नजरों से देखा ही नहीं। आप देखने को तैयार हो? प्रॉमिस। प्रॉमिस। अरे ब्रदर तुम्हारा दिमाग और मेरा रुपया दोनों मिल जाए ना, क्या क्या हंगामे हो सकते हैं। कम ऑन लेट्स सेलिब्रेट इट, हैव अ ड्रिंक। चीयर्स। चीयर्स। मां भैया कहां गया था रे? अपनी मां का जरा भी ख्याल नहीं तुझे। सुधीर तूने शराब पी है? शराब नहीं पी मां, कामयाबी की पहली सीढ़ी पे मैंने पहला कदम रखा। आत्मा को शराब के प्याले में डुबोने से कामयाबी नहीं मिला करती सुधीर। इंसान इंसान का खून पीता है, इससे तो शराब पीना कहीं अच्छा। हे भगवान पता नहीं क्या होने वाला है। भाभी के लिए साड़ियां जेवर बंगले गाड़ियां जो चाहोगे वो अपना है। सुधीर ये सच है? सुशीला मेरा चुटकी काट कर देखो तो कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मैं तो पहले कह रही थी तुम निठल्ले कान में रुई डालकर सोते रहोगे और देवर जी जरूर कुछ करके दिखाएंगे। हाँ भैया हम लोगों ने जो कुछ खोया है वो सब फिर से वापस मिल जाएगा। मगर कैसे तुम्हें बताओ ना सुशीला। तुम चुप रहो जी। एक छोटे से होटल से ये सब कुछ कैसे हो सकता है? भैया होटल छोटा होगा लेकिन आने वाले लोग बड़े होंगे, वही बड़े लोग जो बड़े तो हैं लेकिन काम छोटा करते हैं। सुधीर मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझ। मेरा मतलब है भैया अब हम उस दुनिया में प्रवेश करेंगे जो मिट्टी और पानी से नहीं सोने चांदी और जगमगाती रोशनियों से बनी है। बिजली की रोशनी आई है समाज के ज्यादा काम अंधेरे में ही होते हैं। इन सभी लोग ये है मूल चंदानी, ये है मिस्टर सिंह, इस सुमित शिरू, विश्वजीत। इनका काम है माल हम तक पहुंचाना और हमारा काम है उसको ठिकाने लगाना। आप हैं मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर अशोक। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। हम बड़ी मनोहर तुमने अच्छा किया कि होटल खोल दिया, नहीं तो हमारे पुराने अड्डे सब पुलिस की नजरों में आ चुके थे। समझे? हमारे साथ तो रहोगे ऐसा ही होगा। अरे वरी ऐसे ही होएगा नहीं। Let us celebrate. Cheers, cheers. Excuse me. भैया भाभी आओ बाबा आओ। ये है मेरे बड़े भैया और भाभी जी और ये है हमारे नए साथी। नमस्ते भाई कैसा हाल है? सब ठीक है? लीजिए लीजिए। सुधीर अशोक ये तो शराब है। तुम मैंने कब कहा कि गंगा जल है?
समीर भैया, अगर आप नहीं पियेंगे तो हम समझेंगे कि आप हमारी खुशी में खुश नहीं है। एक बार मुंह से लग गई कभी छूटेगी नहीं। पियो ना भैया। मैंने शराब पी है, मुझे मारो, मुझे मारो माँ, मैंने शराब पी है, मुझे मारो माँ, मैंने शराब पी है, मुझे मारती क्यों नहीं माँ, मैंने शराब पी है, मुझे मारती क्यों नहीं माँ, मुझे मारो, मैंने शराब पी है माँ, मैंने शराब पी है माँ। ये सब क्या है? कुछ नहीं सुधीर, इसने भी कामयाबी की पहली सीढ़ी पर पहला कदम रखा है। माँ, क्या हमारी कामयाबी में तुम्हारा ऐसा नहीं? पुन बांटा जा सकता है, पाप नहीं। आपका मतलब है माँ जी, हम लोग पापी हैं, हमसे बुरे हैं, यही ना? वो तो है ही माँ, होटल में जुआ हो रहा था, लड़कियां नाच रही थी, क्यों सुशीला, ठीक है ना? तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। अब मैं समझ गई तुम्हारे देश को, मगर सुनो, इस घर की मान मर्यादा तुम लोग किसी कीमत पर भी नहीं तोड़ सकते। तुम्हारी कामयाबी शराब पीने से, जुआ खेलने से और होटल में लड़कियां नचाने से होती है, तो तुम्हारी कामयाबी तुम्हें मुबारक, मुझे नहीं चाहिए। इससे पहले कि तुम्हारी इन कर्मों की छाया मेरी जवान बेटी और बच्चे पर पड़े, मैं दोनों को लेकर हंसी चली जाऊंगी। तुम क्यों जाओगी माँ, ये घर तो तुम्हारा है, हम चले जाते हैं। सुधीर, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ भैया, सफलता पाने के लिए मैं दुनिया की कोई भी कुर्बानी दे सकता हूँ। खड़े खड़े देखते जाओ, चलते क्यों नहीं? हमने सेवा किस घर को छोड़कर चले जाएंगे, चलो मेरे साथ, चलो। माँ, सबको रोको ना, नहीं तो चले जाएंगे। नहीं बेटी, अगर इन्हें पैसा, अपनी माँ, अपनी बहन, अपने छोटे भाई से प्यारा है तो इनका चले जाना ही अच्छा है। भैया, भैया, कहाँ जा रहे हो? झोपड़े से निकलकर बंगले में जा रहा हूँ, सोचा था सभी को ले जाऊंगा, तो मेरी कमाई तो पाप ही है ना, शायद माँ को स्वीकार। भैया, अभी चलो। माँ जी, हमारे कर्मों की छाया आप पर पड़ती है तो आपके कर्मों की छाया हम पर भी तो पड़ सकती है। मेहरबानी करके किसी से कहिएगा नहीं कि आप हमारी माँ हैं, वरना हमारा भी अपमान हो सकता है। माँ,
आज धन के लिए मन के संबंध टूट गए। क्या बात है, आप रो क्यों गए? यहाँ मेरे बचपन की कुछ यादें हैं जानकी दास जी। आप जानते हैं गोपाल अंकल के मरने के बाद उनके बीवी बच्चे कहाँ गए? सरकार, मैंने कभी गोपाल बाबू को भी नहीं बचाना। मैं तो शुरू से ही आपके बाप का चमचा हूँ। जरा फिर से कहिए, कितने फ्राक चाहिए? 1000। 1000? हाँ बिकरा, 1000 फ्राक जो ही है। बंबई में रोज हजारों बच्चे पैदा होते हैं। और तू ठीक तरह अगर माल सप्लाई करते रहेगी तो इसी दुकान में आते जाते बूढ़ी हो जाएगी जैसे मैं बूढ़ा हो गया। आओ बेटी। माँ, आज काफी ऑर्डर मिल गए हैं। अच्छा भगवान, ये सब तेरी कृपा है। अब तुम उठो ना माँ, मैं काम करती हूँ। बेटी तो खुद थकी हुई आई है, जा खाना खा ले, थोड़ा आराम कर। माँ, माँ, मैंने आज भाभी समीर और सुधीर भैया को देखा। अच्छा, बड़ी शानदार मोटर से उतर रहे थे वो। शानदार मोटर से? हे भगवान, उन्हें क्षमा करना, नादानी में कोई भूल ना कर बैठे। तू उनसे मिला था? माँ, माँ मैं तो अपना काम कर रहा था। काम? ओह, मैं तो भूली। बेटा कैसे रहा काम? माँ, मैंने आज 3 रुपए कमा लिए हैं। शाबाश बेटे। अरे माँ, मेरे हाथ खराब है। इन्हें खराब कहता है? ये तो मेहनत का इनाम है, बड़े नसीबों से मिलता है बेटे, बड़े नसीबों से मिलता है। बड़े सरकार ने काम भी क्या सौंपा है, फ्लोर्स के बीचों बीच में लटकने का। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। डैडी बिजी है? डैडी तो भगवान से भी ज्यादा बिजी है। डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड बनाकर मुझे यहाँ बिठा रखा है। ओ, मर गया फिर सारा माल अपना। हेलो नवीन। हेलो डैडी। आई एम सॉरी बेटा, मैं इस वक्त मसरूफ हूं। तुम्हारा प्लान? इट्स ऑल राइट डैडी, वो प्लान शाम को डिस्कस कर लेंगे। गाड़ी रोको। ये गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? जानकी दास जी, मैं इस भीड़ की तस्वीरें खींच के एक फीचर तैयार करना चाहता हूँ और उसे परिवार नियोजन की नुमाइश भेजूंगा। तो अब मेरा क्या होगा? आप गाड़ी लेके जाइए। और मैं अपने बॉस को क्या जवाब दूंगा? डैडी से कह दीजिएगा मैं अपना काम खत्म करके हॉबी पे चला गया। अरे नई इमारत का नक्शा है। आप बिजनेस के अलावा कुछ नहीं सोचते। ये एक फोटोग्राफ। अरे बेटा, मैं तो हमेशा भूल जाता हूं कि फोटोग्राफी तुम्हारी हॉबी है। जरा देखो तो। ये मेरी एक स्टडी। इसकी इंपॉर्टेंस आप तब समझेंगे जब ये शाहजहां आर्ट गैलरी से इनाम जीत के लाएगी। क्या कोई कंपटीशन हो रहा है? देखो बेटा, शाहजहां आर्ट गैलरी का डायरेक्टर मेरा दोस्त है। बस सिर्फ कहने की देर है, अगर चाहो तो पहला इनाम तुम्हारा। कमाल है डैडी, आप मेरी आर्ट को भी बिजनेस बना देना चाहते हैं। पैसे कमाने के लिए क्या आपका बिजनेस कम बड़ा है?
फोटोग्राफी मेरी साधना है। I'm sorry, बेटा, चलो खाओ खाओ। अरे अनु, तुम तो बहुत ज्यादा काम करते हो। यहाँ सेल्स, वहाँ ऑर्डर, मॉडलिंग। मॉडलिंग? और नहीं तो क्या? मैंने अभी अभी आर्ट गैलरी में तुम्हारी तस्वीर देखी। बड़ा ही खूबसूरत नाम है तुम्हारी फोटोग्राफ का, धूप की कोमल का। कहीं दिमाग तो नहीं चल रहा तुम्हारा? मैं और मॉडलिंग करूंगी। अरे माँ ने सुन लिया तो? सुन नहीं लिया, देख लिया बोलो। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ, लीला को भी घर से साथ लेंगे। चलो। तस्वीर के फोटोग्राफर मिस्टर नवीन कुमार, कृपा करके स्टेज पे तशरीफ ले आए। मैं आप लोगों से इनका परिचय करा दूं। इन्होंने पहले भी काफी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया और बहुत से इनाम जीते। हमें उम्मीद है ये हमारे देश के एक महान फोटोग्राफर बनेंगे। आपको नवीन सर, अगर आप इस फोटोग्राफ को हमारी पत्रिका के लिए दे सके तो हम आपको इसकी मुंहमारी कीमत दे सकते हैं। बाद में देखेंगे। क्या नमकीन मॉडल ढूंढा है आपने? अगर इजाजत हो तो हम भी अपनी कंपनी की अगरबत्ती की पब्लिसिटी के लिए कैलेंडर छाप डाले, वरना खुशबू बढ़ जाएगी इसकी। एक इज्जतदार लड़की का इस तरह मजाक उड़ाने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप कड़ी धूप जो गरीबों को झुलसा देती है उसमें आप जैसे लोग कोमलता ढूंढते फिरते हैं। मैं पूछती हूँ, आपको अनजाने में मेरी तस्वीर लेकर इस तरह खुलेआम नुमाइश करने का क्या अधिकार है? कल मुझ पर, मेरे परिवार पर इसका कितना बुरा असर पड़ सकता है, क्या आप सोच सकते हैं? कल यही तस्वीर जब पेपर्स में छपेगी तो मेरी माँ का कितना अपमान होगा, आपको क्या मालूम? वो आर्ट जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए उसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। I'm sorry. चलो शीला। चुप क्यों हो गई? बोलती क्यों नहीं? मैं तो कहती हूँ उस आदमी को भला बुरा कहने के बजाय तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। बस शीला, हम लोग कॉलेज के लिए कितनी लेट हो गए। अच्छा अनु, तुम्हें तो पोर्ट जाना है, हम कॉलेज चलते हैं। बाय बाय। बाय बाय। मुझे आपसे माफी मांगनी थी, जिस तस्वीर पर आपको इनाम मिला उसी को मेरी वजह से फाड़ देना पड़ा। Never mind. मगर आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। Have a cup of tea? No, thanks. इसका मतलब है आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मगर मैं कुछ पीऊंगी नहीं, अभी अभी मेरे सहेलियों के साथ कोक पिया है। आप दुनिया के किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, दो कोक पीने से कोई नुकसान नहीं होता। वेटर, वन कोक। आप पढ़ती हैं? जी नहीं। तो किसी ऑफिस में काम करती हैं? जी नहीं, हमारी अपनी एक शॉप है जहाँ बच्चों के कपड़े तैयार होते हैं। ओह। जी हाँ, उस दिन में मैं दूसरी दुकानों के ऑर्डर का सामान पहुँचाने जा रही थी जब आपने मेरी फोटोग्राफ खींची। आप तो काम करती हैं, काम में जो इज्जत है उसे भी आप जानती होंगी। जी हाँ, मेरी माँ कहती है ईश्वर का दूसरा नाम ही परिश्रम है। ताज्जुब है, ऐसी माँ की बेटी के ख्यालात इतने दकियानुसी क्यों? जी? और नहीं तो क्या, आप अपनी एक फोटोग्राफ छपने के डर से इतनी परेशान हो गई जबकि हजारों लड़कियां पेशेवर मॉडल्स हैं।
आपका मतलब है वो पूरी लड़कियां हैं? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मुझे अफसोस है। अफसोस मत कीजिए, मैं आपकी इससे भी खूबसूरत तस्वीर खींचूंगा। देखिए ना, आपकी एक तस्वीर खींच के मैंने एक छोटा सा कॉन्टेस्ट जीता, शायद आपकी दूसरी तस्वीर खींच के जिंदगी का कोई बहुत ही बड़ा कॉन्टेस्ट जीतो। और देखिए, मैं खुद गर्व नहीं हूँ, मुझे जो इनाम मिलेगा उसमें से आधा हिस्सा आपका भी होगा। भगवान बोली मेरी भी क्या जिंदगी है। अरे कभी स्क्रू लूज, तारे ढीले, कार्बोरेटर खराब, बैटरी डाउन, प्रभु आइंदा ऐसा गलती ना करना। अगले जन्म में मुझे मोटर कार बनाना ताकि मैं ऊपर और मैकेनिक नीचे। अरे 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 लोगो, अरे गाड़ी जय, अरे पगला पगला इसको, अरे जय पगला, अरे कोई है? अरे गुरु, मैंने अगले जन्म के लिए अप्लाई किया था, इस जन्म के लिए नहीं। नमस्ते बजरंगी भैया। बजरंगी मर गए, बजरंगी तो सरंगी बज रही है। सरंगी हुआ क्या? अरे अरे सचिन भैया, पकड़ हाथ पकड़। सचिन मुझे गाड़ी देखा दिखता। अच्छा सुना, अठारह नंबर का पाना। अरे सच्चू, अरे खाने के खाने में से ठीक से देखना। अरे जल्दी वो तो खाना पाना। भैया तुझे याद है जब तू बिल्कुल छोटा था, मैं इन्हीं कन्नों पे लेके तुझे घुमाया करता था। बस बस बच रहेंगे भैया, मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी गाड़ी जल्दी अच्छी हो जाएगी। ठीक हो जाएगी ना? अरे यार, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि तूने मेरे पिताजी के पास इतने साल नौकरी कैसे की। अरे अरे वो जमाना कुछ और था, उस जमाने में गाड़ियाँ भी शरीफ हुआ करते थे, समझे? तेरे पिताजी तो देवता थे, देवता। मालकिन की मेहरबानी से गैरेज खोला और तेरे मेहरबानी से चल रही है। अरे नहीं तो कब के छुट्टी हो जाती। अरे कौन हर मगाया? अरे ठहर बाबा, क्या मैं क्या तुम उधर टाइम वेस्ट करता है? अरे वो जो छोकरा है ना, उसे मैकेनिक बनने का बहुत शौक है, मैं उसे सिखा रहा था। तकलीफ है एक चीज हो तो बताए, पेट्रोल अटकता है, गाड़ी जस पे जस मारता है, डिनमो का वायरिंग ढीला है। अच्छा पहले मैं डिनमो का वायर ठीक कर देता हूँ। सेट प्लीज। गाड़ी में आगे रह जाओ, हम पीछे पीछे आ जाए। सचू उधर ला। हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, डू सिट डाउन। ओह थैंक्स डियर। Your name is Mona? Oh,
नो 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 इन दिस शो बिजनेस आई एम मोनिका यू वॉन्ट टू नो माई क्वालिफिकेशन हाइट 5'2" वेट 160 पाउंड्स दैट्स गुड अदर डिटेल्स 36 24 38 पास्ट एक्सपीरियंस डांस्ड इन 7 बिग होटल्स लास्ट कॉन्ट्रैक्ट 3000 पर वीक विल दैट डू माय सर इट्स ऑल राइट वी विल गेट इन टच विथ यू बाय बाय ओके बाय 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 सुधीर इसे रख लो टॉनी सेंड द नेक्स्ट गर्ल गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी हाय मन हाउ आर यू हांगकांग के बाद तो तुम देखा ही नहीं यू वांट माय इंटरव्यू ओह नो ललिता हम तुम्हारा इंटरव्यू क्या लेगा आई नो यू टू वेल नाउ लुक स्वीटहार्ट डू वन थिंग लीव योर लोकल टेलीफोन नंबर with Tony if I ever require you I'll certainly call you okay bye bye thank you ye ladki jab hong kong mein thi wahan ki sabse mashhoor dancer mani jati thi mere khayal se kam 5000 hafte se kam mein nahi manegi 5000 ha tum log ise 5000 rupaye hafte dene ko taiyar ho kis cheez ke oh इसकी खूबसूरती जवानी और डांस करने के अंदाज के लिए जब इसे इतने रुपए दे सकते हो तो मुझ में क्या कमी है ब्यूटीफुल ग्रेसफुल हाउ चार्मिंग गुड इवनिंग एवरीबॉडी कहना चाहती हूँ हर इंसान के कुछ अरमान होते हैं कुछ सपने होते हैं ना वो भी चाहता है कि इज्जत हो शोहरत हो नाम हो दौलत हो बंगला हो कार हो आप और मैं भी यही चाहती हूँ क्योंकि मैं एक लड़की हूँ मैं एक लड़की हूँ और दिल रखती हूँ दिल जो कहता है अरे बस वो करती हूँ मैं एक लड़की हूँ दुनिया में जीने के कुछ देखे हैं सपने उन सपनों पे मरती हूँ अब तुम समझे क्यों मैं एक लड़की हूँ घर से निकली हूँ अब जो हो सो हो Thank you.
ज्यादा तुम्हारे काम करने का ढंग पसंद आया। थैंक्स अ लॉट फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। चलता हूं मन, फिर मिलूंगा। चाओ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मैं तो रोज इसी ट्रेन से जाती हूँ, 10:25 को वो अंधेरी से छुपती है। अगर मैं आपसे मिलूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं ना? जी। कुछ दिन और ये पहाड़ यहाँ से गायब होगा, इसके बाद कुछ दिन और यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी होंगी, और कुछ दिन और दुनिया में पहाड़ों का नामो निशान नहीं रहेगा, है ना? जमीन की तंगी भी क्या चीज है साहब, और बड़े बड़े शहरों में जमीन की तंगी, इंसान तख्तों पर रहने लगे हैं और बच्चे ट्यूब में पैदा होने लगे हैं, और तो और साहब ट्रेनें ट्यूब में चलने लगी हैं। ट्रेनें? ट्रेन? जानकी दास जी, आपने पहली दफा काम की बात की है, ये पकड़िए। कब तक छुपेगा ऐ जाने जाना रूप तुम्हारा प्यार हमारा, कब तक छुपेगा ऐ जाने जाना रूप तुम्हारा प्यार हमारा। मजा तो जब है देखे जमाना रूप तुम्हारा प्यार हमारा, कब तक छुपेगा ऐ जाने जाना रूप तुम्हारा प्यार हमारा। मजा तो जब है देखे जमाना रूप तुम्हारा प्यार।
कब तक छुपेगा ऐ जान जाना, रूप तुम्हारा प्यार हमारा। क्या है तुम्हें भी नहीं मालूम, पहलू रखते तुम्हारे अंग कितने, बन चमन की रूतों में भी न होगा, हर अदा में छुपे हैं रंग जितने, क्यों ना उजागर हो ये बहारा, तुम्हारा प्यार हमारा। कब तक छुपेगा ऐ जान जाना, तुम्हारा प्यार हमारा। मुस्कुरा के उठाओ जरा पलके, जुल्फ चेहरे पे उड़ने दो चाहे, ऐसी तस्वीर खेचूके दुनिया, तुमको देखे तो मुझको सराहे, सारे जहां को कर दे दीवाना, तुम्हारा प्यार हमारा। कब तक छुपेगा ऐ जान जाना, तुम्हारा प्यार हमारा। मजा तो जब है देखे जमाना, तुम्हारा प्यार हमारा। कब तक छुपेगा ऐ जान जाना, तुम्हारा प्यार हमारा। तो तुमने सब कुछ पता लगा लिया? जी हाँ। कौन है वो? इस धंधे में असली नाम कौन इस्तेमाल करता है सेठ? अब आप ही देख लीजिए ना, दुनिया के लिए तो आप श्यामनाथ सेठ हैं, लेकिन दूसरी दुनिया के लिए आप तरक्वास मत करो, सीधी सीधी बात करो। टेढ़े रास्ते पे चलने वाले अगर सीधी बात करें क्या अच्छी बात है। चलिए आपको वो भी बता देता हूं, मैंने तो उनका नाम भी पता कर लिया है। एक का नाम है मनमोहन खन्ना और दूसरे का है अशोक शर्मा। जब से ये दोनों मार्केट में आए हैं सेठ, हलचल मच गई। और तुम सोते रहे, हाउ डिस्गस्टिंग। सेठ, उन्होंने कारोबार का नया तरीका अपनाया। हम लोगों की तरह स्मगलिंग का माल पार करने के लिए उन्होंने मच्छरों की बस्ती में गोदाम नहीं बनाए, उन्होंने बनाया है एक होटल, एक कैसीनो, और मध्यम रोशनी में जब मगाते जिस्म से जब वो कैबरेट डांसर लोगों की आंखें चकाचौंध करती है ना, कोई नहीं जान पाता कि स्मगलिंग का कितना बड़ा सौदा तय हो गया। लाखों का माल आर पार हो जाता है सेठ, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। और यही वजह है कि जो मार्केट कल तक आपके हाथों में थी आज उनके हाथों में। तो ये तो खत्म कर दूं। हम लोग व्यापारी हैं, हम पिस्टल से नहीं रुपयों से काम लेते हैं। खरीदने वाला हो तो सब कुछ बिक सकता है। तुम जाओ और उसे लेकर यहां आओ। ठीक है। अगर वो यहां नहीं आया तो मैं खुद जाकर उसे मिलूंगा। ठीक है, मैं कह देता हूं। मैं तुम आइंदा मुझे ऑफिस में मिला करो, आजकल मेरा बेटा मेरे साथ रहता है, मुमकिन है उसे शक हो जाए। ठीक है सेठ, वहीं मिलूंगा।
तुमसे बहुत प्यार करते हूँ मैं। सच्चा प्यार? बिल्कुल सच्चा प्यार। तो डालो पानी में हाथ। क्यों? इसलिए कि इस पानी में एक मगरमच्छ रहता है और जो प्यार में झूठ बोलते हैं उनका वो हाथ पकड़ लेता है। ये बात है? तो फिर लो। अरे अरे क्या हो गया नवे? लेकिन मैं तो झूठ बोल रही थी नवे, क्या हो गया? तो मैं कौन सा सच बोल रहा था? कसम खुदा की जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ ना कहूंगा, कि तुमसे है, कि तुमसे है मुझे प्यार। कसम खुदा की जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ ना कहूंगा, कि तुमसे है, कि तुमसे है मुझे प्यार। तो बोल पहले कैसे खोखलड़ी, हसीना हमसे ही कुछ दूर खड़ी, तुम्हारे पास आई फिर क्या बात हुई, नजर मिल गई दिन से रात हुई। मतलब ये जब नैन लड़े हो गए दोनों खड़े खड़े, झूठ है सच है दिल है, झूठा नहीं मैं, झूठा नहीं मैं सरकार। कसम खुदा की जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ ना कहूंगा, कि तुमसे है, कि तुमसे है मुझे प्यार। पूछो फिर हम कब ना साथ मिले, बताएं कैसे जब थे होश भी गुम, यानी पता दिन रात रही, तुझी है ना बात यही। मुझको ही इल्जाम न दो, कुछ तो अपने नाम भी लो, झूठ है सच है दिल है, कुछ तो कहो ना, कुछ तो कहो ना दिलदार। कसम खुदा की जो कुछ कहूंगी सच सच कहूंगी, सच के सिवा और कुछ ना कहूंगी, कि तुमसे है, कि तुमसे है मुझे प्यार। अच्छा ओ लड़की अब तू बोल जरा, हाँ सजन घूंघटवा भी उस लड़के को प्यार किया? हाँ हाँ, हाँ मैंने खुल के आज इकरार किया। ये है दफा 9211, तू भी है मुजरिम वो मारा, लेकर फूलों की लड़ियां ना पहना दे हथकड़ियां। कैसे कैसे आजा आजा, ओ आजा मिलके मिलके करे इकरार। कसम खुदा की जो कुछ कहेंगे सच सच कहेंगे, सच के सिवा और कुछ ना कहेंगे, कि तुमसे है, कि तुमसे है हमें प्यार, कि तुमसे है हमें प्यार, कि तुमसे है हमें प्यार।
गए बेटे? ओहो माँ, जब देखो तो ये मशीन मशीन मशीन, तुम थकती नहीं? अनु, क्या है माँ? आज बड़ी खुश है। खुश? हाँ माँ, एक जगह बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। आज अपनी माँ को नहीं बताया? वो सोचा था माँ, बात बिल्कुल पक्की हो जाएगी ना, तब बताऊंगी तुम्हें। तो कहाँ तक पहुंची है बात? बात? कौन सी बात माँ? जिसका तो अभी अभी जिक्र कर रही थी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कभी हाँ कभी ना, आज क्या हो गया है तुझे? माँ से झूठ बोलती है। झूठ? मैं क्यों झूठ बोलने लगी? जो झूठ बोलता है वजह तो वही जान सकता है। एक बात कहूँ, मैं जानती हूँ तू जो भी कदम उठाएगी सोच समझ कर उठाएगी, मगर एक बार। माँ, एक बार क्या? मुझे भी अपनी पसंद दिखा देती तो अच्छा था। माँ, ओ माँ। अनु, अनु। क्या करेंगे अनु? ये जल्दी कर। मैं आपका नीनी हूं। नीनी, आप मुझे पहचाना नहीं? जब से आया हूं आपसे मिलने के लिए तड़प रहा था। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा, मुझे मेरी खोई हुई मां मिल गई। हाथ मत लगा मुझे मां। आंटी, आंटी मैं वही नीनी हूं जिसे आपने बचपन में गोद में खिलाया था। वो मेरी भूल थी जिसकी पूरी कीमत दे चुके हैं हम लोग। मैं समझा नहीं। बंद करें नाटक और चला जाए यहां से। आंटी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, जरूर गलतफहमी हुई थी। जो जहर को अमृत समझा था, तेरे बाप पर भरोसा किया, जिसने अपना बनकर हमारा सब कुछ लूट लिया। पति चला गया, जवान बच्चे अलग हो गए, हरी भरी गृहस्थी उजड़ गई, फिर भी मैं शिकायत लेकर उसके दरवाजे पर कभी नहीं गई। विश्वासघात को भगवान की मर्जी समझकर कलेजे से लगा। और तू उस आग को जो बुझ गई फिर से सुलगाने आया है? इसका मतलब पता चला मुझसे झूठ बोला। वो तो राजा हरिश्चंद्र है ना, झूठ कभी नहीं बोलते। और तुमने अनु को सच सच बताया था कि तुम कौन हो? कहती आंटी, मुझे भी तो आज चुप रहो। मैं अपने घर पर तुम्हारा मनु साया भी नहीं पड़ने दूंगी। अगर मेरे मन में पाप होता। पाप? जहर का पौधा जहर ही उगला करता। चाहे चला जाए यहां से, मुझे तुझसे नफरत है, तेरे खानदान से नफरत है। आपको मुझसे नफरत होगी,
मगर मैं आज भी आपकी पूजा करता हूँ। और अनु से मेरी मासूम बच्ची का नाम अपनी जबान पर मत ला। चला जाए यहाँ से। मैं कहती हूँ चला जाए यहाँ से। ठीक, अगर इसी में आपकी खुशी है तो मैं जाता हूँ। नवीन आओ बेटा आओ। आपको याद है जब मैं छोटा था तो एक बार बहुत बीमार हुआ था? हाँ बेटा, तुम्हें नया जीवन मिला था। उस वक्त आपके पास मेरे इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। हाँ, भगवान दुश्मन पर भी ऐसा वक्त ना लाए। और एक देवी ने अपनी सोने की चूड़ियां बेचकर आपको इस काबिल बनाया था कि आप मेरा इलाज करवा सके। हाँ बेटा, मगर वो चूड़ियां तो, मगर ये सब तुम्हें अचानक कैसे याद आया? कैसे याद आ गया? इसलिए कि आज मैं गायत्री आंटी से मिलकर आ रहा। गायत्री भाभी? वो अभी तक किसी शहर में? आपको ताज्जुब हुआ कि वो अभी तक जिंदा है? आप गलत छीन सकते हैं, जायदाद छीन सकते हैं, मगर तपस्या और आत्मविश्वास नहीं छीन सकते। आत्मविश्वास ही क्या कह रहे हो? मैंने कभी किसी का कुछ नहीं छीना, ये सब झूठ है। डैडी, आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, आपने ये सब क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब गोपाल के कर्मों का नतीजा है। जिस दिन उसने शेयर बाजार में कदम रखा था, दरअसल उसी दिन उसकी मौत हो गई, और आपने उसी कब्र में उनके बीवी बच्चे और उनके सुख चैन को भी दफना दिया। मैं था क्या सकता, जहां तक मुमकिन था मैंने उनकी मदद करने की। आपने उनकी मदद की, मगर उनको तबाह करने के, उनको बर्बाद करने के लिए, उनका सब कुछ मिटा देने के। नहीं, जरूर तुम्हें गायत्री ने बहका दिया है, वरना तुम अपने बाप के सामने खड़े होकर सब कुछ नहीं कहते। उस बाप के सामने जिसने तुम्हें रुतबा दिया, इज्जत दी, दौलत दी। इस दौलत से तो हम गरीब अच्छे थे, उस गरीबी में सुख था, शांति थी। ये बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है, जिंदगी की असलियत से इनका कोई वास्ता नहीं। याद रखो, दुनिया उन्हीं की पूजा करती है जो जिंदगी में कामयाब है, लेकिन दुनिया उनके नाम पर थूकती भी है जो दूसरों की लाशों पर अपनी कामयाबी का महल खड़ा करते, अपना बनाकर अपने को धोखा देते। बंद करो ये बकवास। जब कमाने निकलोगे तब पता चलेगा, वो सूर आदर्श इंसान का पेट नहीं भर सकते। ये सब दौलत जो मैंने बनाई है। आपकी दौलत आपको मुबारक हो, इस पाप की कमाई से मुझे एक कौड़ी भी नहीं चाहिए। आज से मेरा जिंदगी का एक ही उद्देश्य होगा, आपके पापों का प्रायश्चित, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े। बात तो सुनो। मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहती अनु। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अब तो पता चल गया ना? हाँ, और जिस आदमी ने तुम्हें इस हद तक पहुंचाया है उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं। मैंने पिताजी को छोड़ दिया है, अपना घर छोड़ दिया। अब मैं तुम्हारी सारी खुशियां वापस लाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है अनु। गायत्री आंटी मुझे गलत समझ सकती है, मगर तुमसे तो मैंने प्यार किया है, और आदमी जिससे प्यार करता है उसको धोखा कभी नहीं देता। बोलो, तुम मेरी मदद करोगी? कब तक इंतजार करोगे? मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। मैक रोज इसी वक्त इस होटल में आता है। लेकिन He's coming.
हेलो मिस्टर मैक। हेलो विजय, एनी मैसेज फॉर मी? यस, हाफ अ डजन। मैंने शेख अल मुश्ताक अल मंसूर की तरफ से दो सूट की बुकिंग के लिए फोन किया था। नाम शेख अल मुश्ताक अल मंसूरी, कमिंग फ्रॉम बैरूत, बिजनेस डायमंड मर्चेंट। देखिए, शेख साहब बैरूत के रिचेस्ट आदमियों में से एक हैं, शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। थैंक यू। या शेख अल कयाम अल एहतमाम अल तकमील अल तकमील। जरा जोर से बोलो, डैडी का चमचा पीछे आ रहा है। या शेख अल कयाम अल एहतमाम अल तकमील अल तकमील। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर पहली बार हिंदुस्तान तशरीफ लाए हैं? नो नो, हमारा एक कदम बेरूत में, एक हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान हमारा बाप का वतन, बाप का वतन। वाह वाह, हुजूर का दीदार किया तो खाकसार का दिल सरसब्ज व शादाब और अतलस व कमखाब हो गया। ना हंजार, इतना तारीफ अल्लाह का करेगा तो आग बद सुधर जाएगा। तुम चापलूस है, तुम उल्लू का पट्टा है। उल्लू का पट्टा? नहीं नहीं नहीं, शेख साहब को जिसकी अदाएं बहुत पसंद आती है ना, उसको वो उल्लू का पट्टा कहते हैं। वाह 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 वाह, क्या पहचाना शेख साहब ने। असल में जितने अरब यहाँ आते हैं मुझे उल्लू का पट्टा समझते हैं। लघु या खातून, कम कम, लघु लघु लघु। शेख शेख, मैं लघु नहीं हूँ, उस आदमी का खास करिंदा हूँ जिसका नाम शेर शामनाथ है, जो अरब देशों में सैम ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है। ओह, सैम ऑफ इंडिया। यस, सैम ऑफ इंडिया। हीरो की परख सारे हिंदुस्तान में उनसे बढ़कर किसी को नहीं है। अच्छा। और ईमानदार तो इतने कि अरब देशों में उनके नाम की हुंडियां चलती हैं। एक बार मिलकर देखिए, पता चले मुझसे बड़ा उल्लू का पट्टा है वो। ला हौल वला कुव्वत, हम सिर्फ तुमको उल्लू का पट्टा समझता, सबको नहीं। शेख साहब एक बार मिलकर देखिए, आप दूसरी तरफ रुख नहीं करेंगे। मिल लीजिए ना शेख साहब, मिलने में क्या हर्ज है। हाँ। तो मुल्लू का पट्टा है, जहन्नमी पिल्ला है, तुम हमारा फैसला बदल दिया, मुलाकात का इत्माम करो। शुक्रिया शेख साहब। जाओ जाओ। ये तो सब हो गया, लेकिन हीरो का इंतजाम कैसे होगा? तुम फिक्र मत करो, चलो। हेलो सेठ। हाँ मैक। आज एक बहुत बड़े डायमंड मर्चेंट से मुलाकात हुई है। काम का आदमी है? बहुत काम का। मैं कभी पत्थर को हाथ नहीं लगाता और ना ही कभी धोखा खाता। तो मुलाकात का बंदोबस्त कर लो। ओके सेठ। उल्लू का पट्टा, तुम हमको बोला हसीनों का दीदार मिलेगा, ये तंबू में किधर ले आया? शेख साहब कभी कभी तंबू के अंदर भी फूल खिल उठते हैं। इधर हसीना मिलेगा? जरूर मिलेगा। आइए आइए, तशरीफ लाइए। ला हौल वला कुव्वत, तुम साला इसको हसीना बोलता? हसीना भी मिलेगी, आप आइए तो सही। हाँ आइए। शेख साहब, मीट सैम ऑफ इंडिया। हेलो, ग्लैड टू मीट यू। शेख अल मुश्ताक बिन मंसूरी। सैम ऑफ इंडिया, तुम जरूर जवानी में गुलफाम ऑफ इंडिया रहा होगा। आइए आइए। मैंने आपकी इतनी तारीफ की
उनके मिलने का शौक हो गया। मैक फूल का पत्ता है जी। सेठ शेख साहब को जिसकी अदाएं पसंद आती है ना, उसे उल्लू का पट्टा कहते हैं। ओ बहुत खूब बहुत खूब। हमें भी इसकी अदाएं बहुत पसंद है, हम भी इसे उल्लू का पट्टा कहेंगे और मुझे इस पर फख्र होगा। ए हसीना किधर? आदाब बजा लाती हूँ शेख साहब। हुजूर क्या देख रहे हैं? हम टुकड़ा देखता चांद का, चांद का। बुजुर्गवार आप भी खूब दिल पे गए, दिल पे। ये सब बंदोबस्त हुजूर के लिए है, हमारे लिए इतना कुछ। अजी आपने साइम ऑफ इंडिया का दिल कहाँ देखा है? हम जिसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं उसके लिए जान भी दे देते हैं। आप भी दोस्ती के लिए इधर आया, नहीं तो तुम अपना घर हम अपना घर। ठीक 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 शुक्रिया। लीजिए बुजुर्गवार को पेश करो। अजी बुजुर्ग नहीं, दोस्त कहिए। लीजिए टू आवर फ्रेंडशिप, टू योर हैप्पीनेस। थैंक यू। कहिए शेख साहब आपके क्या लाए हैं? हम समझा नहीं। अजी मजाक छोड़िए, हम भी इस मैदान के पुराने खिलाड़ी हैं। कहिए क्या लाए? कांतारी अनार का दाना, ये देखो 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 देखो। वाह वाह, दाने तो बहुत खूबसूरत हैं। दाम? दो पेटी। मैं पेश कर दूं। Oh,
दोनों एक शब के मेहमान, जाने फिर हम मिले कहाँ, करीब आया अभी बोना, करीब आया अभी बोना। आपने कहा था अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो तुम्हें अपने जज्बात का गला घोटना पड़ेगा। आपने ठीक ही कहा था डैडी, आज मैं भी अपने जज्बात का गला घोंटकर कामयाबी की तलाश में निकल पड़ा हूं। कितना आसान है जिंदगी में कामयाब होना डैडी, आप अपने बेटे को भी नहीं पहचान सके। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस कामयाबी की दौड़ में मैं आपसे भी आगे निकल जाऊं। नहीं, नवीन ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मोहब्बत का फंदा जिसके गले में फंस जाए सेठ, उसे इंसान से बंदर बनने में देर नहीं लगती। आपका बेटा इश्क करता है। इश्क? इश्क किससे? आपके दोस्त गोपाल की बेटी से, अन्नू से। आप ठीक समझे, जब पहली बार नवीन अरब बनकर मुझे होटल में मिला था ना, तो अनुपमा देवी उसके सेक्रेटरी का रोल अदा कर रही थी। और तुम धोखा खा गए। जब वो आपको धोखा दे गए तो चलिए मान लेता हूं मैं बहुत बड़ा उल्लू का पट्टा हूं, लेकिन जब इसके आगे की खबर सुनेंगे ना, हैरान होकर रह जाएंगे। सेठ, मुझे लगता है गायत्री देवी अपने खसम का बदला लेकर रहेंगी आपसे। गायत्री देवी और बदला, क्या वक्ते हो। मैं कभी बकता नहीं, हमेशा पते की बात करता है। उधर उसकी बेटी अन्नू ने आपके बेटे को फांस रखा है, और उधर वो नया कसीनो खोलकर हमारा कारोबार चौपट कर देने वाला अशोक शर्मा कोई और नहीं, आपके दोस्त का बेटा सुधीर। और वो कैबरे डांसर जो लोगों की आंखें चकाचौंध कर देती है ना, वो कोई और नहीं, आपके दोस्त के बड़े बेटे की बीवी है। सेठ, मुझे लगता है आप अपनी ही बनाई हुई जाल में उलझ गए। अब मैं के सिवा आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम मेरी क्या मदद करोगे? सेठ, मैं उस कसीनो का सौदा करके आया। तुम्हारा मतलब है कि वो बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे ये जानते हुए कि? ये वो कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि कसीनो का असली मालिक अभी तक मनमोहन है। और दूसरी बात ये, मैंने ये सौदा सैम ऑफ इंडिया के नाम से नहीं, आपके दूसरे नाम प्राण मेहरा के नाम से किया है। आइए आइए। तो फैसला कर लिया आपने? जी, कर तो लिया था, मगर इरादा बदल रहा हूं। क्या मतलब? भाव बढ़ाना चाहते हैं आप? कहिए कितना? 5 लाख? 10 लाख? 15? जी जी जी, मुझे मंजूर। ये सौदा 25 लाख में भी नहीं हो सकता शामना सेठ। आप कौन है और यूं अंधेरे में बैठे क्या बातें कर रहे हैं? अंधेरे से उजाले में आने के लिए क्या देर लगती है शामनाथ सेठ? लो, रोशनी है। सुधीर, तुम अशोक शर्मा नहीं हो? तुम भी तो प्राण मेरा नहीं हो। जब झूठ का पर्दा उठ ही चुका है तो क्यों ना सच सच बता। अंकल शामनाथ, आज मैं जो कुछ भी वो आपकी लगन, परिश्रम और ईमानदारी का फल। देखो सुधीर, तुम ये ना भूल, तुम मेरे दोस्त के बेटे हो। मेरे बाप के तगाबाज दोस्त, सचमुच जिंदगी का सबसे अच्छा दिन आज नसीब हुआ है। ये होटल नहीं बिकेगा। सुधीर, देखो आपस के झगड़े में मेरी जिंदगी बर्बाद ना करो, कम से कम मुझे निकल जाने दो। मान याद है, इस अंधकार की दुनिया में लाने वाले तुम थे, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम लोग आपस में फैसला कर लो, मेरा ऑफर अभी तक खुला है, जब चाहो आ जाना। सुधीर, ये सुनहरा मौका हाथ से मत जाने दो। नहीं मानिए, नहीं होगा, मैं ये सौदा करके रहूंगा। अब भी होटल खरीदने के लिए तैयार हूं,
तुम प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो और नकद पैसे ले लो, लेकिन अपने पार्टनर सुधीर को आप उसकी फिक्र मत कीजिए, सुधीर को मैं समझा लूंगा, वो शाम को 6 बजे शेक पर मुझे मिल रहा है। और अगर फिर भी काम ना हुआ तो? तब तो फिर वो अपनी पिस्तौल की गोली का शिकार हो जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये उसी का पिस्तौल है। तुम ये सहमत क्यों करते हो? जिंदगी की छोटी छोटी उलझनों में तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए। मैक, थैंक यू श्यामला जी, सुधीर से जो भी बातें होंगी मैं आपको इतला कर दूंगा। थैंक यू। मैं आ गया हूं मान। क्या फैसला किया तुमने? देखो साफ साफ कह देता हूं, मैं यह कसीनो किसी कीमत पर शाननाथ के हाथों में नहीं जाने दूंगा। अगर तुमने मेरे लिए कुछ किया है तो मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। चुप क्यों? तुम कोई नई चाल चलना चाहते हो, मगर आज मैं पूरी तरह तैयार होकर आया हूं मान। व्हाट इज योर नेम? मान, मामला बहुत खतरनाक हो चुका है, हर काम होशियारी से होना चाहिए। मैं पूरा ध्यान रखूंगा। आज रात को सुधीर मनमोहन से मिलने उसके वर्सली शेक पे जा रहा है। हाँ बड़े लोग है ना, छोटे लोगों के घर नहीं आया करते। क्यों दीदी? अनु कौन है? अरे बहू तुम अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़ी? माँ जी मुझे क्षमा कर दीजिए, हमें बचा लीजिए माँ जी, हमें बचा लीजिए। क्या हुआ बहू? सुधीर भैया पे खून का इल्जाम लगा है और पुलिस उन दोनों को पकड़ कर ले गए। भगवान, नहीं माँ, सुधीर भैया किसी का खून नहीं कर सकते। मगर ये हुआ कैसे? माँ जी जिसे हम शीश महल समझते थे वो ताश का घर निकला। सुधीर भैया शामनाथ से टकरा गया, उसने चाल चली, सुधीर भैया ऊपर पड़े और उनके हाथों खून हो गया। माँ जी, माँ माँ मेरा दिल कहता है सुधीर भैया खून नहीं कर सकते। फिर तो मेरा भी नहीं मानता। बहु रो मत, ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ जी, डैडी आप यहां? हाँ, मुझे तुमसे मिलने के लिए भेष नहीं बदलने पड़ते। आपको भेष बदलने की जरूरत ही क्या है, आपके वैसे ही हजारों रूप है। एक रूप और भी है कि मैं तुम्हारा बाप हूं।
और मैं इस बात से शर्मिंदा हूं। तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, आपके किए का प्रायश्चित करना चाहता हूं। प्रायश्चित? क्या बकते हो? जिंदगी से भागा हुआ इंसान ही प्रायश्चित और पश्चाताप जैसे शब्दों की आड़ लेता है, और इन शब्दों से भागकर वो वहां पहुंच जाता है जहां आप। तुम भागकर कहां पहुंचे? गात्री देवी के पास? जो हीरे जवाहरात तुम्हारे अपने थे उनके लिए तुम्हें चोर बनना पड़ा? तुम चाहते तो उनकी सीधी तरह भी मदद कर सकते थे। जो देना जानते हैं वो दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाते। उन्होंने मेरी कोई मदद स्वीकार नहीं की और आपने उन्हें इस हद तक बर्बाद कर दिया है कि अगर मैं अपनी जान भी दे दूं तो उनकी खुशियां नहीं लौटा सकता। तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि आप पश्चाताप की आग में जलकर कुंदन बन जाएं और मुझे मेरे डैडी वापस मिल जाए। मगर अफसोस ये है कि आप आदमियत के दर्जे से गिर चुके हैं और जो इंसान आदमी ही नहीं रहता वो किसी का कुछ नहीं होता। बस बस, बंद कर बकवास। याद रखो, जवानी के जोश में जो तुम कर रहे हो कहीं उसके लिए तुम्हें पछताना आपको पड़ेगा डैडी। अपने किए पे पर्दा डालने के लिए जो नाटक आप खेल रहे हैं अब उसका आखिरी सीन शुरू हो चुका है। सुधीर और समीर मेरे दोस्त गोपाल के लड़के हैं। गोपाल न सिर्फ मेरा दोस्त था बल्कि कभी मेरा पार्टनर भी हुआ करता था। गोपाल को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाया और इस दुनिया से गुजर गया। सुधीर किसी गलतफहमी में पड़ गया और बिला वजह मुझसे जलन रखने लगा। यही वजह है योर ऑनर कि जब मैंने इसका होटल खरीदना चाहा तो इसने इनकार कर दिया। आप होटल क्यों खरीदना चाहते थे? सुधीर मेरी बच्चों की तरह है, मैंने हमेशा इसको अपने बच्चों की तरह समझा है। ये गलत रास्ते पे जा रहा था, मैंने सोचा कि अगर मैं इसका होटल खरीद लूं तो हो सकता है ये सीधे रास्ते पे चलने लगे। क्यों मिस्टर सुधीर, मिस्टर श्यामनाथ आपका होटल खरीदना चाहते थे? जी हाँ। थैंक यू मिस्टर श्यामनाथ। गौर किया जाए जो ऑनर मुर्जिम कबूल करता है कि इसे जिंदगी में सुधरने का मौका मिला। अगर ये चाहता तो होटल बेचकर शराफत की जिंदगी बसर कर सकता था, लेकिन जो ऑनर मुल्जिम को अपने पेशे से इस कदर प्यार होने लगा था, इसका लालच इस कदर बढ़ गया था कि यह खून और कत्ल पर उतरा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैंने स्मगलिंग की है, खून नहीं, मैं खूनी नहीं हूं। फिर असली कातिल कौन है? मैं बताता हूं असली कातिल कौन है। नवीन, सॉरी डैडी, अब कुछ मेरी रगों में एक शरीफ और इज्जतदार मां बाप का खून है और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी और का इल्जाम सुधीर के माथे पे मर दिया जाए और वो उसकी सजा भुगते। योर ऑनर, यह है वो रिवॉल्वर जिससे मनमोहन का खून हुआ था और उसका कातिल मैं। नवीन, हेलो डैडी, आप इतने परेशान क्यों हैं? आखिर तुम मुझसे किस बात का बदला लेने की कोशिश कर रहे हो? बदला आपसे? ये आप क्या कह रहे हैं? तुम अच्छी तरह जानते हो कि उस पिस्तौल के सहारे जो कहानी तुमने कोर्ट में सुनाई है बिल्कुल झूठ है। तुम ये भी जानते हो कि खून तुमने नहीं किया। मगर आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि खून सुधीर ने भी नहीं किया। मगर इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम ये झूठा इल्जाम अपने सर पे क्यों लेना चाहते हो? बाप का कर्ज बेटा नहीं चुकाएगा और कौन चुकाएगा डैडी? क्या मतलब है तुम्हारा? गुनाहों का इतना बड़ा बोझ आप अपने कंधों पर कैसे संभाल सकेंगे? एक जवान बेटा अगर अपने बाप के बोझ को हल्का नहीं कर सकता तो वो खुद गुनहगार बन जाता है। मगर बेटा, अदालत ने ऐसा वैसा फैसला दे दिया तो क्या होगा?
फैसला कुछ भी करे, मगर मैं इतना जानता हूं कि सजा उसी को मिलेगी जो सच्चा अपराधी है, और वो अपराधी आप है। ठीक है, अगर मैं अपराधी हूं तो कानून को मुझे पकड़ने दो, मुझे सजा देने दो। सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी डैडी। मुझे मालूम है कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आप मुझे करते हैं, और आपकी यही सबसे प्यारी चीज आपसे छीन ली जाए। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि कल अदालत मुझे फांसी का फैसला सुनाए। नहीं नहीं बेटी, मेरा क्या होगा? आप लोग आपकी तारीफ करेंगे, कहेंगे आपने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जो अपने बाप के पापों का बोझ अपने कंधों पर उठाकर हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया। ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो दे दो अपनी जान, मुझे कोई परवाह नहीं। सुनो, तुम नवीन से मिलने आई हो? जी। इसका मतलब है इसकी सारी कहानी झूठी थी, और जो तुम्हारा जिक्र था सच था। भगवान के लिए उस बेवकूफ को जाकर समझाओ किस तरह अपनी जान देने पर क्यों तुला हुआ है, शायद वो तुम्हारी बात सुन ले। अपने बेटे की जान की आपको इतनी फिक्र है, मगर मेरे भाई की जान की आपको कोई परवाह नहीं। अगर उसने झूठा इल्जाम अपने सर लिया है तो फिर सच्चा दोषी कौन है, ये आप अदालत को क्यों नहीं बता देते? जिंदगी में कभी ना कभी एक मुकाम ऐसा जरूर आता है जब इंसान को पीछे मुड़कर देखना पड़ता है। मैं समझा नहीं। मैं एक जिस किस्म की जिंदगी मैंने गुजारी है मैं उसे छोड़ना चाहता हूं। मैंने फैसला किया है कि अपने गुनाहों का प्रायश्चित करूं। ये लो, ये हैं 5 लाख। मैं तुम्हें 12 घंटे की मोहलत देता हूं, तुम लोग शहर छोड़कर चले जाओ। ये क्या कह रहे हैं आप? अब से ठीक 12 घंटे के बाद मैं पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा फांसी पे चढ़ जाए। और जिन्होंने आपके बेटे से ज्यादा खिदमत की है आपकी, उन्हें फांसी पर लटकते देख सकेंगे आप? तुम समझते क्यों नहीं, 12 घंटों में तुम वहां पहुंच जाओगे जहां इस देश का कानून तुम तक पहुंच नहीं सकेगा। 12 घंटे काफी है, लेकिन 5 लाख कुछ कम है। अगर आप खुदकुशी करना ही चाहते हैं तो हमें 15 लाख दे दीजिए, हम आपके रास्ते से हट जाएंगे। मैक, अपने बेटे के रिहाई के लिए 15 लाख नहीं दे सकते सेठ? मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हें गंदी नाली से निकालकर इस पोजीशन तक पहुंचा दिया। 5 लाख तुम 50 जन्म तक भी नहीं कमा सकते। उठाओ इसे और चले जाओ, वरना। अरे वाह, जो जिंदगी भर तुम्हारी धमकियां दूसरों तक पहुंचाता रहा उसी को धमकी दे रहे हो? ये अच्छा नहीं किया तुमने सेठ। गेट आउट, गेट आउट। Thank you.
मैक, तुम ना सिर्फ उल्लू के पट्टे हो, बेवकूफ भी हो। शट अप बास्टर्ड, अभी पता चल जाएगा। शंकर, अपने बाप से कहो माल लेकर आए। नहीं बास्टर्ड, थेलन। नहीं, ना को हां में बदलने का तरीका तुम्हारे बाप ने हमको अच्छी तरह से सिखाया है, तो आजमा लो, हम भी देखें तुमने हमारे बाप से क्या क्या सीखा है। बास्टर्ड, आई से डू इट। मैक, अपना और मेरा वक्त जाया मत करो। I'll kill you! भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है मैक। ओके गणपत, मेहमानों को बुलाओ। मैक। जी हाँ, बाप की जिद तोड़ने के लिए उसका बेटा और बेटे की जिद तोड़ने के लिए उसकी माशूका। क्यों जाने मन, ठीक है ना? छोड़ दे मेरी बच्ची को। बुद्धि, चल हट। माँ, माँ। ठहरो। लाओ। मैंने कहा था ना, मैं ना को हाँ में बदलना अच्छी तरह से जानता हूँ। लो। डैडी, मैं नवीन बोल रहा हूँ। नवीन, कहाँ से बोल रहे हो तुम? आपके पुराने खिदमतकार का मेहमान हूँ। खिदमतकार? आपका खास खिदमतकार। मैक? जी हाँ। कितने पैसे चाहिए उसे? 20 लाख, और वो भी एक घंटे के अंदर अंदर, वरना आप मैक के मिजाज से वाकिफ हैं। ठीक एक घंटे बाद मेरा आदमी आपको पवाई क्रॉसिंग पर मिलेगा, और हाँ, आप पर भी पूरी वॉच रखी जाएगी। मैक, मैक, यू डबल क्रॉस बास्टर्ड, मेरा कुत्ता मुझे ही काटना चाहता है। वेलकम सर, वेलकम। लो, गिन लो। ठीक ही होगा सेठ, आप जिद्दी जरूर हैं लेकिन बेईमान नहीं। चलो नवीन। आइए कैथरीन आंटी। हाँ, ये नहीं जा सकती, ये तो तुम्हारी नेक चलनी की जमानत बनकर मेरे पास रहे। ये कैसे हो सकता है? पागल ना मानो, मैं ठीक कह रहा है। आपके अपने असूल हैं, मेरे अपने। अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो इनके साथ। मुझे समझने की कोशिश करो नवीन, मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया, और अब जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, अब तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? नहीं डैडी, एक बार तो अपने डैडी पे भरोसा करो। ये तो मैक की शराफत है कि हमें मौका दे रहा है, और मौके से फायदा नहीं उठाना बेवकूफी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, समझो मुझे। प्लीज कम, कम विद मी। चलिए। Thank you.
अपना पिस्टल फेंक दो। अब अपने बेटे से बाहर आने को कहो। सैम ऑफ इंडिया। नहीं तो सबसे पहले तुम मरने को तैयार हो जाओ सेठ। Bastard. जानेमन कहाँ जा रहे हो हमको छोड़ के? तो आपको ये जरा मिली गई डैडी। इन्हें मैंने बुलाया है बेटा अपने जुर्म का इकबाल करने। मुझ जैसा बाप पाकर तुम्हें जितनी शर्म आ रही है, तुझ जैसा बेटा पाकर मुझे उतना ही फखर हो रहा है। गायत्री भाभी, मैंने कभी किसी से माफी नहीं मांगी, मुझे माफी मांगनी आती भी नहीं, लेकिन आज मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। अगर मुमकिन हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। कहेंगे सच सच कहेंगे, सच के सिवा और कुछ ना कहेंगे। कि तुमसे है हमें प्यार, कि तुमसे है हमें प्यार, कि तुमसे है हमें प्यार।